देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। राजद के AIMIM के चार विधायक शामिल होने के बाद पूरे बिहार की राजनीति के साथ साथ सीमांचल के इलाके की राजनीति में राजद फील गुड की स्थिति में है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चर्चा बना हुआ था कि AIMIM की एंट्री के बाद से अल्पसंख्यक वोटों पर राजद की पकड़ कमजोर होने लगा था। अब AIMIM के चार विधायकों की राजद में एंट्री के बाद से राजद इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। इसी को लेकर सीमांचल में राजद के कदावर नेता अहमद अशफाक करीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह AIMIM विधायकों के इस फैसले का स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी का नेतृत्व मजबूत हुआ है। सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब राजद सबसे बड़ी पार्टी है, अगर ऐसा कोई स्थिति बनता है तो सबसे पहले राजद को ही सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने सरकार बनाने के सवाल पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। शामिल हुए हैं क्या इससे सीमांचल में एक नया तस्वीर देखने को मिलेगा? देखिए सीमांचल में ही नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि प्रजातंत्र में बड़ी कुव्वत होती है, जनता में बड़ी ताकत है। ये एहसास हो गया MIM को कि जनता का रुख बदल चुका है, जनता ने भ्रमित होकर गलतफहमी में उनको जिता देने का काम किया था। अब MIM ये समझ चुकी है कि बिहार में हमारा दाल गलने को नहीं है। ये क्यों समझ चुकी? इसलिए समझ चुकी कि जनता का रुख उनके विपरीत चला गया है, उनके खिलाफ चला गया है, जिसकी वजह से वो फिर अपने घर में लौट गए या जो घर में नहीं भी थे उन्होंने भी देखा कि नहीं, RJD से ज़्यादा मजबूत और तेजस्वी जी की जो छवि बनी है सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में एक छवि बनी है। इसको देखते हुए, जनता के रुख को देखते हुए, तेजस्वी जी की छवि को देखते हुए MIM ने यह फैसला किया कि हमको वहीं चला जाना चाहिए, तभी हमारी कामयाबी है। जनता उनको मजबूर करती रही कि तुम गलत जगह हो, ठीक है पिछले बार कुछ गलतफहमी हुई, हम लोगों ने वोट दे दिया, अब तुमको देने वाले नहीं है तो आप चले जाओ। इस प्रेशर में, इस दबाव में जनता के जो जमहूरियत की ताकत है, जो गिनने की ताकत है, तौलने में ताकत नहीं होती, गिनने में ताकत होती है, उस गिनती की उस वजह से वो आ गए, उनका स्वागत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको खुशामदेद कहते हैं कि वो सही जगह पे आ गए जनता के रुख को समझते हुए और RJD की मजबूती, तेजस्वी जी की मजबूती को देखते हुए आप आ गए। खुदा का शुक्र है कि आज सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश में अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल, जो आज के दिन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में है और उनकी सरपरस्ती माननीय लालू जी कर रहे हैं। सर की सेहत पे से कोई असर पड़ेगा सरकार? देखिए सरकार में क्या असर पड़ेगा वो मैं नहीं अभी कह सकता, लेकिन इतनी बात तो है कि अगर कोई हालात बन गए तो गवर्नर को सबसे पहले बड़ी पार्टी को बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। उसमें आज हम मजबूत हैं, राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, लालू जी तेजस्वी जी आज मजबूत हैं, और जब इस पार्टी को, जब राजद को बुलाया जाएगा इस बुनियाद पर कि सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर है हमारी सरकार बन जाएगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस न्यूज। धन्यवाद।